का फन से भरा फोटोशूट। पहले प्रज्ञा संग जमकर की मस्ती, फिर लगाए दादी संग ठुमके शुमके। में अभी बाबू गुलाटी मारकर ऐसे लोटपोट हो रहे हैं मानो उनकी लॉटरी लग गई हो। तो जी मामला कुछ ऐसा ही है। रॉकस्टार अभी को उनके ड्रीम कॉन्सर्ट में गाने का मौका मिल गया है। वो एक बहुत बड़े कॉन्सर्ट में बुलाया गया है जो दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्सर्ट है और उनके लाइफ का ड्रीम था कि वो उस कॉन्सर्ट It's such a big concert कि पता नहीं मैं कभी वहाँ पर पहुँच पाऊंगा कि नहीं। बधाई हो अभी बाबू, दिवाली का बोनांजा तो आपको अब जाकर मिला है। वैसे ये कमाल तो आपके लकी चार प्रज्ञा का है भाई। कुमकुम से भाग्य क्या जुड़ा, अभी की तो जिंदगी सवर गई। तो घर वालों में मेरा भगवान को विश्वास करता हूँ, नहीं साथ में एक ही लकड़ी आरती की लौ। ये आरती की लौ कोई मामूली लौ नहीं है, वो लौ होती है जो लोगों की उम्मीदों पर रोशनी। को नाम मानने वाले अभी के दिल में भी प्रज्ञा ने श्रद्धा भाव जगा दिए और दिवाली पूजा पर हुआ ये चमत्कार देखकर सारे घर वाले हैरान हो गए। वैसे धीरे धीरे ही सही अभी बाबू बदल तो रहे हैं। अब तो इंतजार इस बात का है कि कब उनके दिल में प्रज्ञा के लिए प्यार जग जाए। अब वो तो उनकी अपनी मर्जी है क्योंकि प्रज्ञा ने कहा है कि वो मुझसे प्यार करे ना करे मुझे कुछ फर्क नहीं। मतलब आई एम इन द मीरा मोड। वन साइड लव तो कभी दुनिया में डजंट सर्वाइव होती है, वो दो तरफा कभी ना कभी बन ही जाता है। वन साइडेड होगा तो वन ऑफ द पीपल विल मूव ऑन। या तो इवेंचुअली इट विल गो डाउन टू मतलब अभी विल इवेंचुअली, पर पता नहीं कब कैसे किस हालात में। तो अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आकर ये कहानी रुका हुआ है। जी हाँ, एक तरफ अभी बाबू प्रज्ञा के रंग में रंगते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ सौतन तनु की जलन बढ़ती जा रही है। अब नतीजा चाहे ट्विस्ट से कितना भी भरा हो लेकिन आज तो अभी के लिए खुशियां मनाने का दिन है। शांतनु भटनागर, मुंबई, आज तक।